हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संचिता। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी आप कैसे घर पर विटामिन सी फेशियल कर सकते हैं, और साथ ही मैं यहां पर आपको एक अमेजिंग DIY होममेड विटामिन सी सीरम बनाना भी दिखाऊंगी, जो मार्केट के महंगे केमिकल वाले विटामिन सी से 10 गुना अच्छा है। तो अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन पे कोई ग्लो नहीं है और आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते, बेदाग बनाना चाहते, रेडियंट बनाना चाहते हैं, तो इस विटामिन सी फेशियल को एक बार घर पर ट्राई जरूर करना और एक ही बार में इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो देखकर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस विटामिन सी फेशियल का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ऑरेंज, यानी कि संतरे, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। और इस फेशियल का टोटल 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप है क्लींजिंग विद स्क्रब। तो क्लींजर विद स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बोल में 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा ले लीजिए, फिर इसमें 1/2 टीस्पून हनी और लास्ट में 2-3 टेबलस्पून ऑरेंज जूस यानी कि संतरे का रस ऐड करके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद रेडी हो जाएगा हमारा विटामिन सी से भरपूर फेशियल स्क्रब। तो अब आपको स्क्रब को लेकर फेस को अच्छे से स्क्रब कर लेना है, और स्क्रब एटलीस्ट आपको 1-2 मिनट तक तो करना ही होगा, और बहुत ही हल्के हाथों में करना होगा। और स्क्रब करने के टाइम आपका मेन फोकस होगा आपके नोज अराउंड, फोरहेड, चिन एरिया, जहां पर स्पेशली डार्क स्पॉट और डेड स्किन जमी होती है, क्योंकि ये जो विटामिन सी का स्क्रब है ना, ये डेड स्किन और डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए अमेजिंग वर्क करता है। तो 1-2 मिनट तक इस तरह से स्क्रब करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो स्क्रब हो जाने के बाद अब हम करेंगे विटामिन सी फेशियल मसाज, जिसके लिए हमें विटामिन सी से फेशियल मसाजिंग जेल बनाना होगा, जिसके लिए आपको लेना है 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, फिर इसमें आपको ऐड कर देना है 3-4 टेबलस्पून ऑरेंज जूस, और फिर अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमारा विटामिन सी का फेशियल मसाज क्रीम बन के रेडी हो जाएगा। तो अब आपको इस मसाज जेल से फेस को अच्छे से सर्कुलर मोशन पे और अपवर्ड डायरेक्शन पे 10-15 मिनट तक मसाज कर लेना है। फ्रेंड्स, विटामिन सी इसलिए हमारे स्किन के लिए इतना अच्छा होता है क्योंकि विटामिन सी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करके डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करने में हेल्प करता है, और जिससे स्किन टोन एनहांस होकर आपकी स्किन टोन रेडियंट हो जाता है। तो इसलिए जिनके स्किन पे डार्क स्पॉट है, जो अपनी स्किन को स्पॉटलेस और रेडियंट बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इस विटामिन सी फेशियल को एक बार जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। तो इस तरह से 10 मिनट तक फेशियल मसाज करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद अब हमारा लास्ट स्टेप है विटामिन सी फेस पैक। तो पैक बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर लेना है, फिर इसमें 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा ऑरेंज जूस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमारा पैक बनके रेडी हो जाएगा। तो अब आप इस पैक को लेकर पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए, और इसे अप्लाई करके ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, और जब ये ड्राई हो जाएगा तब आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक है, ये आपके स्किन टोन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मैंने ऑरेंज पील पाउडर को ऐड किया है, साथ ही ये आपके फेस के जो डार्क स्पॉट और ब्लेमिशेस है उसको फेड करने में भी हेल्प करता है। तो फेस को वॉश करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा विटामिन सी का फेशियल। तो अब फेशियल के बाद आपको अप्लाई करना होगा विटामिन सी सीरम, जिसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी आप विटामिन सी सीरम कैसे घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना होगा एक संतरे यानी कि ऑरेंज, फिर इसको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है, और आप ट्राई कीजिए इसका जो ऑरेंज पार्ट है बस इसको ही ग्रेट करने की, और जब ये ग्रेट हो जाएगा तब इसमें आप 1/2 कप पानी ऐड करके इसको बॉइल कर लीजिए, और इसको आपको तब तक बॉइल करना है जब तक इसका पानी आधा ना हो जाए। और पानी जब बॉइल होकर आधा हो जाएगा तब हमारा विटामिन सी का पानी यानी कि विटामिन सी का वाटर रेडी हो जाएगा। तो अब इससे हमें बनाना होगा हमारा विटामिन सी का सीरम, जिसके लिए आप सबसे पहले 4 टेबलस्पून विटामिन सी का पानी ले लीजिए, फिर इसमें आपको ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून ग्लिसरीन, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल डालकर
इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद हमारा विटामिन सी का सीरम बनके रेडी हो जाएगा। तो अब आप एक क्लीन कंटेनर में इस विटामिन सी सीरम को भरकर इसको फ्रीज में स्टोर करके 10 टू 15 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो आपको इस विटामिन सी सीरम को रात को सोने से पहले ही अप्लाई करना होगा, जिसके लिए बस आपको थोड़ा सा सीरम लेना है और फिर इसको पूरे फेस पर मसाज करते हुए अप्लाई कर लेना है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो विटामिन सी सीरम मैंने आपको बनाया दिखा है, इसको अगर आप कंटिन्यू 7 डेज तक अप्लाई करते रहेंगे तो 7 डेज बाद आप देखेंगे आपकी स्किन में कितना क्लैरिटी आ जाएगा। साथ ही आपके जो कम्प्लेक्शन है वो काफी हद तक ब्राइटन हो जाएगा, रेडिएंट हो जाएगा और आपके जो डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन के स्पॉट है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगेगा। और विटामिन सी को स्किन पे अप्लाई करने के साथ साथ मैं आपको बोलूंगी, विटामिन सी को आप खाने के साथ भी शामिल कीजिए। विटामिन सी आपको नींबू, आंवला, संतरे और हरी सब्जियों में से मिल जाएगा। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसे घर पर जरूर ट्राई करके देखना एंड इसको ट्राई करने के बाद आपका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना, ताकि मुझे पता चले ये वीडियो आपके लिए वर्क किया या फिर नहीं। तो यार चलिए, मैं संचिता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।